वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का हो सकता है, जैसे फाइंड द वेक्टर, ये अलग चीज है, मतलब वेक्टर फॉर्म है, इससे मतलब है इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी कि दो चॉइस है, कौन सी, एक तो पासिंग पॉइंट हो या फिर डायरेक्शन रेशो, सही है, पहली ये चॉइस थी, या फिर लाइन के दो पासिंग पॉइंट हो, हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना जानते हैं। अब देख लो कौन सी कंडीशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट, एक पासिंग पॉइंट मतलब पहली चॉइस काम आएगी। अब डायरेक्शन रेशो किसी भी तरीके से आ जाए, पैरेलल से आएंगे, सही है। अब इसके बाद क्या कंडीशन है, पैरेलल टू दी प्लेन्स, मतलब दो प्लेन इस तरीके से, कई बार ये डायरेक्ट भी हो सकता है कि पैरेलल टू दिस, हमें पता होना चाहिए कि दो प्लेन है। और किस तरीके से इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है, जो जनरल फॉर्म वेक्टर फॉर्म के हिसाब से लिखोगे तो ये चीज, सही है। ये एन वेक्टर भी हो सकता है, एन कैप भी हो सकता है, तो राइट हैंड साइड पी हो जाएगी, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ये गिवन होती है, नॉर्मली अगर बात करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर इसको कार्टिजन फॉर्म में चेंज कर लो, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टिजन फॉर्म में ये रिजल्ट होता है, सही है। इसको डायरेक्टली लिख दिया हम, मतलब आर वेक्टर जनरल पॉइंट से बनेगा, आर वेक्टर पी पॉइंट से बनेगा, पी पॉइंट मतलब एक्स वाई जेड, इस तरीके से, सही है। आई कैप जे कैप के कैप के रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई से भी को ऐड करना था वेक्टर में, पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका, और दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट, सही है। तो आई कैप वालों के आई कैप वालों के साथ मल्टीप्लाई वन इंटू एक्स, डायरेक्टली लिख दें, माइनस वन इंटू वाई, फिर जेड की मल्टीप्लाई टू के साथ से भी को ऐड भी करना है, सही है, फाइव के बराबर, एक प्लेन है। दूसरा डायरेक्टली लिख दे, थ्री की मल्टीप्लाई एक्स के साथ, यहां पर वन की मल्टीप्लाई वाई के साथ होगी, और वन की मल्टीप्लाई जेड के साथ, उसके बाद सभी को ऐड भी करना है, और किसके बराबर, सिक्स, दो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, सही बात है। तो सॉल्यूशन, अभी यहां पर इस न्यूमेरिकल में क्या खास बात है, ये डायरेक्शन रेशो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, ये कंडीशन है। जैसे किस तरीके से, अब ये तो कही हमने कि डायरेक्शन रेशो पैरेलल हो, लेकिन लेकिन काम की बात क्या है, किसी लाइन के या फिर किसी वेक्टर के, कभी भी ये मत कहना कि प्लेन की, ये चीज भी काम की है। अब यहां पर होगी ये चीज किस तरीके से, सॉल्यूशन लेट कर लो, जैसे डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, सही है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट है, सही है, हमें चाहिए डायरेक्शन रेशो, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो लेट कर लो, मतलब एबीसी, सही है ना, डायरेक्शन रेशो के नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन एबीसी तीन होंगे, क्यों, 3D की बात हर बार चलेगी, 3D के न्यूमेरिकल है, और ये 3D हमें कैसे पता चलेगा, जैसे फाइनल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर 3D वाली कैसे बात डिसाइड करोगे कि ये 3D का न्यूमेरिकल या फिर 2D का, कोई पॉइंट से देख लेना ये बात, सही है, तो इन चीजों से, ठीक है। तो अब इसके बाद, अब ज्योमेट्री समझ लो, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे इस केस में, तो इसके बाद क्या कहा था, ज्योमेट्री कि किस तरीके से कोई रिक्वायर्ड लाइन किसी प्लेन के साथ पैरेलल है, ये प्लेन सोच लो, एक प्लेन है सरफेस है, ये कोई लाइन है, सही है, पैरेलल है, सही है, प्लेन से थोड़ी ना मतलब होता, प्लेन के एन वेक्टर से मतलब होता, मतलब उसके नॉर्मल, सही है। तो इस तरीके का केस हो जाएगा, लाइन और प्लेन पैरेलल थे, लेकिन उसका एन वेक्टर लाइन के साथ परपेंडिकुलर बन गया, सही है। और ये बात पहले डिस्कस हो चुकी थी कि एंगल बिटवीन, जब एक लाइन और प्लेन की बात होगी, ठीक है ना, एंगल कुछ और होगा, यूज कोई दूसरा होगा, यूज कोई दूसरा होगा, वही तो है। पैरेलल का मतलब दो केस होते हैं, कौन कौन से, कि एंगल 0 डिग्री भी, 180 डिग्री भी, सही है। और पहुंच कहां पर गए हम, 90 पर, देख लो, सही है, 90 पर पहुंच गए ना, तो बस इसी तरीके से। तो अब डायरेक्ट लिख दो किस तरीके से, कि मतलब जो ये लाइन है ना, शुरू में तो ये लिख दो रिक्वायर्ड लाइन, इसको फर्स्ट कह दो, फर्स्ट प्लेन ये सेकंड, सही है। हम डायरेक्ट लिखेंगे कि रिक्वायर्ड लाइन शुरू में तो पैरेलल थी, किससे, प्लेन वन के साथ, ठीक है ना, तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल किसका, प्लेन वन का, सही है। मतलब नॉर्मल एक लाइन है, लाइन भी लिख सकते हो यहां पर, वो चॉइस है, और उसके डायरेक्शन रेशो क्या है, एबीसी क्या होते हैं, प्लेन के मतलब कोई परपेंडिकुलर एक लाइन, उसके डायरेक्शन रेशो एबीसी, और इनका दूसरा नाम एक्स वाई जेड के कोफिशियंट, मतलब यहां पर क्या है, 1 - 1 और 2, सही है। और इसके बाद ये परपेंडिकुलर वाली बात बताई थी, कौन सी, ये परपेंडिकुलर वर्ड आती डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 पुट कर देना, सही है, मतलब a1 into a2 इस तरीके से, प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 बराबर, एंगल बिटवीन टू लाइंस का स्पेशल केस, सही है। एक ये लाइन याद रखने के लिए कहा था, अपनी अपनी एक्सिस पर मल्टीप्लाई, तो a की मल्टीप्लाई 1 के साथ,
ठीक है ना, बी की मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ, टू की मल्टीप्लाई सी के साथ, सभी को ऐड भी करना बाद में, यहां पर प्लस माइनस माइनस रहेगा जीरो के बराबर। एक्चुअल में राइट हैंड साइड जीरो नहीं थी, कोस 90 का केस बन जाएगा, मतलब थीटा 90 है, कोस 90 जीरो होता है, एक अलग बात है। तो इस तरीके से सही है। इसके बाद इसी तरीके से लिख दोगे दूसरी भी, मतलब पैरेलल है दूसरे प्लेन के साथ, तो फिर ये लिख देना कि मतलब कुछ इस तरीके से कि रिक्वायर्ड लाइन आल्सो पैरेलल टू प्लेन सेकंड, मतलब ये बात लिख देना शुरू में कि ये प्लेन वन माना, ये प्लेन टू, सही है। तो इस तरीके से, और उसके बाद फिर से वही बात कि जो ये रिक्वायर्ड लाइन है ये फिर से परपेंडिकुलर का केस बन जाएगा, किसके साथ, नॉर्मल टॉप की बार सेकंड प्लेन के, और सेकंड प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशो एक्स वाई जेड के कोफिशियंट 3 1 1 जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, सही है, ठीक है ना। अब वो चॉइस है, मतलब इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं उनको, वो चॉइस है, या फिर यहां से डायरेक्ट कह सकते थे ये एन वेक्टर नजर आना चाहिए, एन वेक्टर हो सकता है एन कैप, उनके मैग्नीट्यूड सॉरी उनके कोफिशियंट से मतलब रहेगा, सही है। वो चीजों को चेंज करना चाहते हैं वो चॉइस है, ठीक है ना। तो यहां पर फिर से अपनी अपनी एक्सिस पर मल्टीप्लाई, तो ए की मल्टीप्लाई किसके साथ, जिसके साथ परपेंडिकुलर हो, सही है ना, डायरेक्शन रेशो दो के चाहिए ना, तो बस ए की मल्टीप्लाई अब की बार 3 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई बी के साथ, और इस लास्ट वाले 1 की मल्टीप्लाई सी के साथ, सभी को ऐड कर दो 0, सही है। दो इक्वेशन आ चुकी हैं, सोल्व कर सकते हो, 3 वेरिएबल हैं, मेन काम तो यही था ये एबीसी निकालना, मतलब 3 वेरिएबल, और पहले ही कहा था कि 2 वेरिएबल मिलेंगे, मतलब 23-12 मेथड यूज होगा, जिसका दूसरा नाम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तरीका क्या है, 23-12 लिखा इस तरीके से, इसके बाद जो पैटर्न सेम रखना, जैसे एबीसी का पैटर्न लिख रहे हो दूसरी में भी एबीसी, चौबीस अब तक चेंज कर सकते हो, या फिर नॉर्मली एबीसी का लेके चलते पैटर्न। तो जो सेकंड वेरिएबल है बी, उसका कोफिशियंट -1 और इसका कोफिशियंट +1, सही है। इसके बाद थर्ड वेरिएबल टू, उसके कोफिशियंट 2 और 1 है, उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल कोफिशियंट 1 और 3, सही है, और यहां पर सेकंड तो -1 और 1 आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से -1 और 1 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, जब सही तरीके से लिखोगे तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और इसके बाद जो पैटर्न सेलेक्ट किया, मतलब एबीसी, इस तरीके से वैल्यू मिल जाएंगी। तो देर फोर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि बीच में ये चीजें लिख देना, ठीक है ना। तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डिवाइड बाई, यहां से मिलेगी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस साइन जब नीचे से ऊपर जाओगे इस तरीके से, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाओ माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। और ये एक्चुअल में डेटर्मिनेंट निकलता है, इस वजह से आती है बात, ठीक है ना। अब इसके बाद इनके आपस में मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से 6 डिवाइड में, ठीक है ना, माइनस साइन फॉर्मूले वाला 1 × 1, तो c डिवाइड में इनके आपस में मल्टीप्लाई 1, एक माइनस साइन फॉर्मूले वाला 3 × -1, तो -3, कैलकुलेशन होके +3, किसी कॉन्स्टेंट के बराबर होगा, ये बात हमें पता होनी चाहिए। इन सभी का रेशो 23-12 मेथड में सभी का रेशो किसी कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, सही है। तो एक इसके बराबर आ चुका है, मतलब डायरेक्शन रेशो एबीसी थे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, मतलब डायरेक्शन रेशो रिक्वायर्ड लाइन के थे एबीसी, सही है। तो इसको और इसको इक्वेट कर लो, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे -3 × k, इस तरीके से, सही है। बी की वैल्यू नीचे 5, ये मल्टीप्लाई में, मतलब जब इक्वेट करोगे तो, और फिर यहां से 4 × k हो जाएगा, सही है। और इसी तरीके से ये के अपने आप खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ यहां तक है, कहीं मान लो 23-12 मेथड अप्लाई कर रहे हो, फिर नहीं है खत्म होने ये के वाली चीज, किसी कॉन्स्टेंट के बराबर होते हैं, सही है। ये सिर्फ यहां पर डायरेक्शन रेशो में कौन सी वाली बात अप्लाई होती है, कि डायरेक्शन रेशो के अंदर सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते, इस वजह से सिर्फ इन केस में, सही है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्ट लिख दिया हम, कौन सी फॉर्म लिखनी थी, वेक्टर फॉर्म, मतलब इस तरीके का रिजल्ट होता है ना, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जिस भी फॉर्म में लिखनी हो, तो आर वेक्टर किसके बराबर हो जाए, ए वेक्टर किसे बनेगा, पासिंग पॉइंट से, पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका 1, 2, 3 नंबर है, रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई इस तरीके से सभी को ऐड कर दो, बन गया, सही है, प्लस लैम्डा × 2, सही है। और इसके बाद बी वेक्टर, जहां से डायरेक्शन रेशो आए आ चुके हैं, पुट कर दो, -3, 5 और 4 नंबर है, क्यों, डायरेक्शन रेशो का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट भी तो होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। इनके रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई इस तरीके से सभी को ऐड कर दो, ये आंसर है। बस पहले पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ ट्रिक क्या है, मतलब क्या क्या चीज चाहिए,
कौन सी कंडीशन गिवन है उस चीज का फायदा उठाओ, जो जो चीज गिवन है उस तरीके से, उसके बाद ज्योमेट्री समझ लो। सबसे आसान तरीका न्यूमेरिकल को सोल्व करने है ज्योमेट्री की, प्लेन का एन वेक्टर यूज होता है, लाइन डायरेक्ट यूज होगी, तो इस तरीके का केस बन रहा था परपेंडिकुलर, फिर ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो मतलब टोटली कैलकुलेशन रहेगी अगर ये बस ये बेसिक चीजें क्लियर है, और एक ये ज्योमेट्री वाली बात, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।